वेलकम बैक टू द व्लॉग ऑफ क्रिकेट फैंसी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अच्छे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, अच्छे से नेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइज, अगर आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। तो सो गाइज, आप सोच रहे होंगे कि आपका भाई तंदुरु से कहाँ गायब है। तो यार, आपका भाई क्रिकेट के साथ स्टडी भी करता है, मैं बैचलर कर रहा हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो आपको पता ही है, लास्ट सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट्स देने होते हैं, फिर आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन होता है। तो जिसकी वजह से आपका भाई काफ़ी बिजी था और कॉन्स्टेंसी नहीं दिखा सका अपने चैनल के ऊपर। हाँ, अलबत्ता मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता रहूँ साथ साथ यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सका। तो इसकी मेन वजह यही थी। सो क्रिकेटर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताता चल जाऊँ, बिफोर रमज़ान 17 फरवरी को जेलम में सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स मुनक्कद किए गए। ये ट्रायल जिनकी सरपरस्ती में हुए, जो सेलेक्टर्स थे उनके, अगर मैं नाम बताऊं आपको, उनमें सबसे पहले नाम है, सेलेक्टर्स का नाम है, जावेद हयात थे, समीउल्लाह नियाज़ी थे, राहिल मजीद थे, एनालिस्ट में हमारे रिजवान हनीफ थे, लोकल सेलेक्टर्स में हमारे पास बेजाद आरिफ थे, उसके बाद कोऑर्डिनेटर में मसूद हसन थे, सेक्रेटरी डीसी जिले में हमारे पास मोहम्मद मुबशर थे। ठीक है, तो ये जनाबे वाला सब के नाम हैं, इनकी सरपरस्ती में यहाँ पर ट्रायल्स हुए। तमाम जिलम के लड़कों ने जो क्रिकेट खेलते हैं, हार्डबॉल खेलते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा यार, ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? अच्छा यार, ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि उन्हें बना दी जाए, बिकॉज़ मुझे DMs काफ़ी आते हैं टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यार भाई बताओ ट्रायल्स दिए कैसे जाते हैं, क्या सीन होता है, क्या कोई फीस होती है, क्या सिफारिश चलती है, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने कहा यार, क्यों ना इनको अवेयरनेस देने के लिए मैं ये बता दूं, ये चीज़ें बताना, क्योंकि मैक्सिमम लड़कों को नहीं पता होता डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल्स का क्या सीन होता है, किस तरह दिए जाते हैं, क्या हिसाब होता है। तो मैंने कहा क्यों ना ये बता दूँ। ठीक है, तो मैं बात तो नहीं करूँगा, मैंने तीन चीज़ें आपके साथ बस शेयर करनी है। सबसे पहले आप किसी अच्छे क्लब में खेल लो, ठीक है, कोई अच्छा सा क्लब हो जो आपको टाइम के ऊपर बताए कि यहाँ पर ट्रायल्स हो रहे हैं, जाओ जाके ट्रायल्स दे जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके जो क्लब्स के ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी अपडेट्स मिलती रहती हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि कोई फीस नहीं होती ट्रायल्स देने की, कोई कुछ नहीं होता। और तीसरी बात सिफारिश, सिफारिश की बात सीधी सी है यार, सिफारिश कोई नहीं चलती, आपके अंदर कुछ है तो आप खेल जाओगे, यानी कि आप मेहनत करते हो, आप टैलेंटेड हो, यानी कि आप अच्छा खेलते हो, तो यार आप खेल जाओगे, डिस्ट्रिक्ट खेल जाओगे, लेकिन आगे आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ज़रूर, अगर रीजन खेलनी है तो। तो गाइज, अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देखना कि किस तरह मैं गया, मैं जाके मैंने फॉर्म फिल किया, जाके सिंपल अपने जो सेलेक्टर्स बैठे हुए थे उनको दिया, और फिर उन्होंने मुझसे ट्रायल्स लिए। तो जनाब, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि ट्रायल्स मैंने कैसे दिए। ठीक है, तो आप ये वीडियो सारी देखें, और साथ में मैं थोड़ी सी वॉइस ओवर करूँगा, और ये भी साथ में आपको थोड़ा समझाऊँगा कि कैसे मैंने ट्रायल्स दिए। ठीक है, तो सो गाइज, अभी जी जनाब हम स्टेडियम पहुँच आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल्स आज हो रहे हैं जी, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट के, और वो सामने आप देखें जी, नेट्स लगे हुए हैं और कोचेस भी आए हुए हैं, लड़के भी आए हुए हैं। तो सो गाइस, अभी हम जी ये फॉर्म जो है डीसीबी की तरफ से पेड रजिस्टर फॉर्म ये भी फिल कर रहे हैं, बस अभी जाके हमें जमा करवाते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म को जाके अंदर जमा करवाया। अच्छा, इसके बाद हमें लोकल सेलेक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई कि कीपर सारे इधर हो जाओ एक साइड पर, बॉलर्स इधर हो जाओ, बैट्समैन जो है एक साइड पर इधर हो जाओ, इधर कीपर सारे इधर पैड करके खड़े हो जाएंगे, तो उस तरफ स्पाइक्स इसके पास है। ये जनाब जो 29 नंबर शर्ट वाला बंदा खड़ा है ना, ये आपका भाई क्रिकेट फैंसी है, और यहाँ पर हम कीपिंग पैड ग्लव्स पहन के खड़े हैं, कीपर सारे इधर खड़े हैं, बैटर सारे ये देखें लाइन वाइज इधर साइड पर खड़े हैं, और ये सामने देखें आप बॉलर्स खड़े हैं, ये देखें सारे बॉलर्स।
अच्छा तकरीबन हर बैटर्स चार चार ओवर खेल रहा था और उन चार ओवर्स में सिलेक्टर उनकी बैटिंग स्किल्स देख रहे थे कि उसका फ्रंट फुल कैसे है, बॉल पर कैसे आ रहा है, स्पिन के खिलाफ कैसे खेल रहा है, सारा कुछ चेक कर रहे थे। और अभी ये आपका भाई ट्रायल्स दे रहा है। तो क्रिकेट सीन कुछ ऐसे हैं कि हमने ट्रायल्स दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ट्रायल दिए, अच्छे दे दिए। और ये कौन से अच्छे दिए भाई? भाई हैं यार ऐसे, आपको बैटिंग दिखने को मिलेगी मेरी। तो बाकी ये कि यहाँ पर जो सेलेक्टर आए हैं ना, वो हमें फ़ोन यूज़ नहीं करने दे रहे, मीन के वीडियोज़ नहीं बनाने दे रहे। तो हम उनकी, ये तो बात बुरी है वैसे, हम बात उनकी नहीं मान रहे, लेकिन हमने आपको भी ब्लॉग तो दिखाना है ना, तो इस वजह से चोरी बना रहा हूँ। तो बाकी ये मुझे वीडियो में इसलिए ऐड कर रहा है क्योंकि वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसके पास भी कुछ क्लिप हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। वीडियो ऐसे तो मिलनी नहीं है भाई, सीधी बात है, पार्टी डन है। मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल की आम सी बात नहीं है भाई। सही है, पार्टी किधर की बताओ, इधर वीडियो में बताओ किधर। आपने वैसे बैटिंग जो की है ना, वो नहीं थी ठीक, नहीं सही, कसम से नहीं सही, नहीं सही, मेरी ठीक हो गई है। हाँ सही हो गई। तो बस जी, अब 5 मैचों से मैं 0 कर रहा हूँ, किसी मैच में मैंने स्कोर नहीं किया ना, नेट प्रैक्टिस बस थोड़ा सा कल हल्का सा की है और वही काम आ रहा है मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर सिलेक्शन होगी तो आपका भाई डिस्ट्रिक्ट के मैच खेलते हुए दिखेगा। और दूसरा नंबर ये कि इंशाल्लाह परफॉर्म भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी जनाबे वाला सीन ये है कि अभी सिलेक्टर्स, अभी 2-3 लड़के रह गए हैं जो बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जनाबे वाला सिलेक्टर्स सबको बुलाएंगे और फिर उनको बोलेंगे कि अगर मुझे पता नहीं क्या बोलें, अगर आपका नाम आया तो आपकी तरफ मैसेज आ जाएगा, तो अगर मैसेज आ गया तो वेल एंड गुड, ना आया तो नेक्स्ट ईयर। सो क्रिकेटर्स, फाइनली ट्रायल्स ख़त्म हो गए और अभी जनाबे वाला हम जा रहे हैं। और ये अजमत भाई ने आज बॉलिंग की है और मैंने बैटिंग कैसी की है? माशाल्लाह गुड। और ये जनाब, अब मुझे कहते हैं बिरयानी खिलाओ तो फिर वीडियो दूंगा, लेकिन ऐसा भाई शनिवारी पे जाना है, ऐसा तो वर्गीज नहीं हो सकता क्योंकि आज खेल रहे हो, एक मजाक है यार, आप भी तो खेल रहे हो ना। नहीं मैं नहीं खेला, मैं सेलेक्ट हूं। हो जाओगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बाकी ये है कि भाई ट्रायल्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं और अभी जनाबे वाला हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। और बाकी सिलेक्टर जो भी फैसला करेंगे, हमें मंजूर, आपको भी मंजूर। तो सो क्रिकेटर्स, आपको ये मेरा व्लॉग छोटा सा अच्छा लगा होगा। दरअसल मेरा ये बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे दूं ट्रायल्स के हवाले से। अगर आपको ये प्रॉपर कोई वीडियो चाहिए कि किस तरह हमने ट्रायल्स देने हैं, किस तरह फॉर्म फिल करना है, किस तरह हमने आगे डिस्ट्रिक्ट खेल कर परफॉर्म करके रीजन खेलनी है, यानी कि स्टेप बाई स्टेप किस तरह हम जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, तो मैं इंशाल्लाह उसके भी हवाले से एक वीडियो बना दूंगा, या ऐसा करूंगा कि किसी अच्छे से कोचिस से या जो इस चीज़ को अच्छी तरह जानता है किस तरह आप स्टेप बाई स्टेप जा सकते हो, उनके साथ हम मीटअप करके उनके साथ बैठ के ब्रॉडकास्ट कर लेंगे, तो ये सीन होगा सारा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो अच्छी अच्छी लेके आया करूँगा, कुछ क्रिकेट के हवाले से अवेयरनेस की भी वीडियोज़ होंगी और व्लॉग भी होंगे। तो इंशाल्लाह आपने भाई को सपोर्ट करो, तो थैंक यू सो मच, आई लव यू सब के लिए। तो अल्लाह हाफिज़।